डायरेक्टरी देवभूमि का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है उसी के क्रम में आज नैनीताल पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मामले में काठगोदाम थाने की जो टीम है उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 3 किलो 14 ग्राम जो है चरस की बरामदगी की गई है, और दूसरे प्रकरण में एनटीए की जो टीम है उनके द्वारा एक अभियुक्त से 19 नशीले इंजेक्शन जो है उनकी बरामदगी की गई। देखिए, जो दोनों ही जो अपराधी पकड़े गए हैं इनकी मुखबिरी हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, इनकी शिकायतें थी, तो इनके जो है बरामदगी होने के बाद में अब इनका बाकी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड में पता करा रहे हैं कि किसी और जगह ये किसी ऐसी और घटना में संलिप्त रहे हैं क्या। कहाँ के रहने वाले थे आरोपी, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ स्मगल हुआ? देखिए, जो चरस जिनके कब्जे से बरामद हुई है वो अभियुक्त नंदन सिंह मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं, और ये मुक्तेश्वर क्षेत्र से ही चरस लेके आए थे, और ये चरस को हल्द्वानी में किसी को बेचने वाले थे, बीच में इसको गिरफ्तार किया गया। और ये जो दूसरे अभियुक्त हैं जिनके कब्जे से नशीले इंजेक्शन की बरामदगी हुई है ये बनफुलका क्षेत्र के रहने वाले हैं, और प्राइमरी तौर पर इन्होंने बरेली से ये नशीले इंजेक्शन लाने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।